राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मंगलवार को नागपुर में थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कामकाज पर सभी मतदाता नाराज हैं। राकांपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा का एक नेता कहता है कि हमें दो तिहाई बहुमत की जरूरत है ताकि संविधान बदला जा सके। संविधान बदलने के लिए 400 पार की भाषा की जारी है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं और उनकी मंत्री कहती है कि भ्रष्टाचारी अगर पार्टी में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि मतदाताओं का मूड विरोधी पार्टियों के अनुकूल दिख रहा है। राज्य में विविध स्थानों पर घूमने पर यह प्रमुखता से ध्यान महंगाई बेरोजगारी आदि समस्या के कारण मध्यम वर्गीय भी त्रस्त है। इन सभी का परिणाम चुनाव पर दिखेगा। ऐसे विचारधारा अलग रखने वाले के खिलाफ असहमत करना, फैसला करना, उनको काम करना मुश्किल करना, ये हमसे चालू है। ये हमने वेस्ट बंगाल में देखा, झारखंड में देखा, अभी दिल्ली में देखा। उन्होंने कहा कि मोदी विरोध में भूमिका लेने वालों को जेल में डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा देश हित में नहीं है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संविधान पर हमला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो या अन्य मुख्यमंत्री, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।